लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे इन बीमारियों के कारण आ सकती है सांस से बदबू। मैं आपको बता रहा हूं कैसे करें इसकी पहचान। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सांस की बदबू एक सामान्य समस्या है जो कभी कभी लोगों के लिए शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सांस की बदबू केवल ओरल हाइजीन की कमी के कारण नहीं होती है, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकती है। आज की तेज तर्रार और तनावपूर्ण लाइफस्टाइल में खान पान की आदतें बिगड़ गई, जिससे ओरल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसके साथ ही कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे डायबिटीज, GERD और इन्फेक्शन जैसी समस्याओं भी सांस की बदबू का कारण बन सकते हैं। कई बार लोग सांस की बदबू को केवल मसूड़ों या दांतों की समस्याओं से जोड़ते हैं, लेकिन असल में इसके पीछे शरीर में चल रही अन्य समस्याओं का भी बड़ा हाथ हो सकता है। तो पहला है ओरल इन्फेक्शन। ओरल इन्फेक्शन जैसे कि मसूड़ों की बीमारी, दांतों में कैविटी और मुंह के अल्सर के कारण सांसों में बदबू की समस्या हो सकती है। मसूड़ों की बीमारी में मसूड़ों में सूजन, संक्रमण हो सकता है, जिससे मुंह से दुर्गंध आने लगती है। अगर ये समस्या गंभीर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए रोजाना ब्रश और फ्लॉसिंग करना जरूरी है। दूसरा है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे कि ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और यहाँ तक कि सर्दी जुकाम की सांस की बदबू का कारण बन सकते हैं। जब इन संक्रमणों के कारण मुंह में म्यूकस जमा हो जाता है तो यहाँ पे बैक्टीरिया जमा हो जाता है, जिससे दुर्गंध आने लगती है। सांस की बीमारी में ब्रोंकाइटिस भी शामिल है। इसमें ब्रोंकाइटिस फैल जाता है और थूक बहुत गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए बहुत बुरी गंदी बदबू आती है। तीसरा है गैस्ट्रो इंसोफेजियल रिफ्लैक्स डिजीज, यानी GERD। GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का एसिड गले में वापस आता है। इससे मुंह में खट्टापन और सांस की बदबू हो सकती है। इस स्थिति में भोजन का सही तरीके से पाचन नहीं हो पाता है और इससे सांस की बदबू भी फैलती है। अगला है किडनी रोग। किडनी का सही तरीके से काम ना करने पर शरीर में अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, जो सांस की बदबू का कारण बन सकते हैं। जब किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर करने में असमर्थ हो जाती है तो ये टॉक्सिन्स मुंह से दुर्गंध के रूप में बाहर निकलते हैं। किडनी रोग से पीड़ित लोगों की सांस में अमोनिया जैसी गंध आ सकती है। डायबिटीज। डायबिटीज के रोगियों में भी सांस की बदबू की समस्या देखने को मिलती है। ये समस्या तब होती है जब शरीर में शुगर का स्तर असंतुलित हो जाता है और शरीर ऊर्जा के लिए फैट का उपयोग करने लगता है। इससे कीटोन्स नामक तत्व तो उत्पन्न होते हैं जो सांस में बदबू का कारण बन जाते हैं। कैसे करें सांस की बदबू से बचाव? सांस के बदबू का इलाज और रोकथाम इसकी जड़ पर निर्भर करता है। अगर ये किसी मेडिकल कंडीशन के कारण हो रही है तो आपको उस कंडीशन का इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा ओरल हाइजीन को सही रखना भी बहुत जरूरी है। ब्रश और फ्लॉसिंग के साथ नियमित रूप से डेंटिस्ट के पास जाना सांस की बदबू से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से मुंह में लार का स्तर बढ़ता है, जिससे दुर्गंध से बचा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।